हाय गाइस, ये सिद्धार्थ कन्नन का यूट्यूब चैनल है। प्लीज मेरी सुनिए और इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। दूर रहिए, दूर रहिए, ये इंटरनेट का कैंसर है। हाय, मैं सिद्धार्थ कन्नन, एके सिटके जरा हटके, और आज स्टार स्पेशल पर मेरे साथ है दो एक्टर्स who I really find very very nutcut और बहुत lovable है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रितेश देशमुख को। come on। And of course, the very, very naughty Akshay Paji, Italian. I didn't know you were naughty. I didn't know. You didn't know you were naughty. You don't know Akshay Kumar is naughty. No. ये तो naughtiness अगर school होती तो उसके president ये होते। तीन लोग जो मेरी girlfriends हैं आज है नहीं यहाँ पर, and I'm really missing them a lot. Lisa Hayden, Jacqueline, और Nargis. One quirky quality of Lisa Hayden which you noticed during the show, वो कौन सा था रितेश? Her long legs. Her long legs. One quirky quality of Jacqueline. She has this habit of, you know, whatever you're doing, she's always on social media. So she's capturing herself, capturing everything, and then. मतलब आपने hi Jacqueline, it is already there. अरे social media में आ गया. Akshay just said hi to me. अच्छा आप मुझे बताओ. Now one quirky quality of Nargis. She has this bits in while acting or while even talking where she's. Starts laughing loudly and sometimes she laughs like a man also, but it's cute. मर्दों की तरह हंसती है वो. ये बीचों अरे अब तो you wonder कि क्या हो गया इसको, you know? And this is the decibel at what she laughs. वाह, पाजी, you also experience that crazy laughter of Nargis? नहीं, I experience that she always had that stomach problem. Yeah, वो भी अलग बात है. हाँ. वो पर. What happened? I don't know. I have developed this problem in my stomach. और what happened today? Today I have developed another problem, but this is not the same one which was on the first day. Now I have another problem. Today what happened? Today is something different. So every day there was stomach problem, but different problems. My God. So कुछ. And do you know? I mean, से पहली बार जब मिले थे तो till she doesn't know you, she wouldn't shake hands with you. ऐसा क्या? She's like hi, very very hygiene. Hi. Nice to meet you. Very मतलब वो फोबिया वो सब उसका फोबिया है कि वो हाथ पूरा अच्छी तरह साफ करो and then only she will shake. तो फाइनली शेक हैंड्स किया कि नहीं उसने? अभिषेक को पूछो। तो इंटरव्यू ही नहीं करेगी। I am a very सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, वो क्यों नहीं करेगी मेरे साथ इंटरव्यू? क्योंकि आपके ऊपर घाम इतने तुझा क्या घाम घाम है तो घाम है तो माने अर्थात अर्थात मतलब घामा घूम तुम्ही बोलता ना तुमच्या नाकाच्या शेंड्यावर घाम आहे. एक तमिळ पेसडा एक तमिळ तेरी ऊपर दिदा अदु पेसडा यल्ला एग्जॅक्टली तमिळ सोलंग मचा भाई मैं पाड़ देना तन्नु. हैव यू एवर टेकन अ लोन एनी टाइम इन योर लाइफ, कॉलेज के जमाने में या स्ट्रगलिंग डेज में, ऐसा कभी हुआ है जब आपने किसी से लोन लिया हो? आजकल ये 5000 करोड़ का लोन देते हैं. पाजी आप देते हैं क्या? देते पाजी हमको भी लोन दे दो ना. देंगे, आ जाओ, पहले फॉर्म वॉर्म फिल करो आराम से. हाँ, फिर देखते हैं. सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी ना. अच्छा अच्छा. हाँ, यू टू पुट समथिंग लाइक मॉर्गेज फ्यू थिंग्स. यार आई हैव नथिंग टू मॉर्गेज. यार क्या बोल रहा है क्या यार पाजी? यू नो आई लव द बॉन्ड बिटवीन यू एंड जग्गू दादा. ठीक है, आपने कहा था एक स्टेटमेंट कि जब मैं जग्गू दादा के हाथ पकड़ता हूँ आई रिसीव पॉजिटिव एनर्जी. रितेश, व्हेन यू होल्ड अक्षय कुमार हैंड व्हाट डू यू फील? हैव यू एवर हेल्ड हिज हैंड? या मेनी टाइम्स. क्या आती है कौन सी? आई थिंक अ बॉन्ड दैट इज फॉर अ लाइफ टाइम फ्रेंडशिप. अच्छा मुझे बताओ, मैंने गाने में एक लाइन सुनी इंग्लिश पप्पी. इंग्लिश पप्पी. इंग्लिश पप्पी और हिंदी पप्पी में क्या डिफरेंस है? बीच में फूल नहीं रहते. फूल नहीं रहते. नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के. हु अमंगस्ट यू इज द बिगेस्ट पार्टी एनिमल? अभिषेक, यू एंड अक्षय पाजी. रितेश, I think Abhishek is a he likes. छह लोगों को पकड़ा जाए तो जितनी पार्टियां लड़कियां करती होंगी उतने हम लोग तो चांस ही नहीं. मैं तो खैर बिल्कुल ही नहीं है. मैं तो जाता ही नहीं. मुझे लगता है अभिषेक. अभिषेक. अभिषेक है. And obviously as he said कि जग्गू दादा. जग्गू दादा is a party animal. वो सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं. दादा को कहना पड़ता दादा. दादा ये क्या हुआ? दिन है दादा, एक हफ्ता हो गया दादा. क्या बात कर रहा बिडू, पता ही नहीं चल रहा. दादा अब यहाँ से कहाँ जाओगे? मैं जा रहा हूँ पनवेल. दादा सच अ डूड ना. आई थिंक ही गो टू एनीवनस फार्म हाउस. बिडू आ गया मैच. अरे दादा इज अ डूड.
अभिषेक ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था, आउट ऑफ ऑल द थ्री बॉयज मैं सबसे शरीफ लड़का हूँ. इज दैट ट्रू और नॉट? वेरी ट्रू. आई एग्री विद हिम. कहाँ मिला था वो? मिला था मुझे एक नाइट क्लब में. एंटर करा था मैं, बाहर जा रहा था तब. अभिषेक नाइट क्लब में एंटर कर रहा था और नाइट क्लब में लगा फोन. गौर से देखो इस इंसान को, इतना बड़ा झूठा है. जस्ट गेट माय फोन हियर, आई वांट टू कॉल अप अभिषेक एंड आई वांट टू नो दिस एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू कॉल हिम अप. पुट हिम ऑन स्पीकर फोन. ओके आ जाओ. हां फोन. और नहीं हुआ ना, याद रखियो ये इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाएगा. अभी बोल रहा हूं, बोल दे. फोन करो ना. हां मैं दो नंबर मिला. हां लगा. मेरा फोन नहीं उठाएगा वो शायद. लगा लगा कहीं नहीं. अच्छा मैं उठाएगा उठाएगा. एक इस पे लेडीज एंड जेंटलमैन ओपन चैलेंज. मैं सच्चा हूं कि अभिषेक बच्चन बंद है. बंद है फोन दोस्तों, यानी कि मैं सही था और मैं सच बोल रहा हूं. आप जिस आईडिया नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो पाजी मेरा फोन वो नहीं उठाते. आपका भी फोन नहीं वो उठाते. अरे फोन बंद है मेरे. दोनों का फोन नहीं उठाते वो. हाँ अभिषेक बच्चन ने आज अक्षय कुमार और मेरा फोन नहीं उठाया. अजी आपका फोन ही नहीं उठाते. हाँ क्या बात है. अरे फोन बंद है तो कैसे उठाएगा. ओके जब आप लोग साथ में गाना गा रहे थे कस्मे वादे, सो आई हर्ड अभिषेक बच्चन जो मुझे कुछ दिन पहले मिले थे बोल रहे थे जब मैं गा रहा था ऑल द लेडी पोर्शंस वर कमिंग ऑन टू मी. वाज दैट डेलिबरेट? नॉट एट ऑल. ये क्या हो रहा था कि गाड़ी में गाना बज रहा था और हम लोग लिप सिंक कर रहे थे. इट स्टार्टेड अभिषेक हिमसेल्फ. लेकिन अभी उनके नसीब में लड़कियों के लिरिक्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ. सो आई एम गोना आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस जी एंड आई वांट योर टेक ऑन इट. ओके ओके. लास्ट टाइम यू गॉट स्लैप्ड वाज दैट इज ओनली टाइम आई गॉट स्लैप्ड इन माय फर्स्ट फिल्म द क्लाइमैक्स सीन. जिनीला स्लैप्ड मी 6 टाइम्स. शी स्लैप्ड यू 6 टाइम्स? यस. लास्ट टाइम जब आपकी बोलती बंद हो गई. लास्ट टाइम बोलती बंद हो गई. तू बोलने का मौका नहीं दे रहा. बोल दिया उसने. यही टाइम जब तू किसी को बात करने का मौका ही नहीं देता. एक तो पाजी अभिषेक ने फोन नहीं उठाया इसलिए अब ये सब गुस्सा मेरे पे निकाल रहा हूँ. ओके नाउ पाजी लास्ट टाइम अ गाय फ्लर्टेड विथ यू पाजी एंड हाउ? नोबडी. कभी नहीं पाजी. हुआ तो होगा कभी ना कभी तो किसी ने किया. आई विल गाय फ्लर्ट. गाय आती है दूध देती है चली जाती है. वन थिंग यू कांट मैच अप विथ योर किड्स वो कौन सा है? Their power to be on social media or the way they work on the phones or computers. Things. One thing you can't match up with your kids. Doing potty in the nappy. That I can understand, of course. Yeah. Absolutely. Yeah. The girls jo hai, who speaks the funniest Hindi? I think all of them. Huh? Yeah, yeah. Jaise ki, example? Jaise ki, ek ladki bolti hai ke... बाई चले गई. जाने दो भाई, काम वाली बाई को जाने दो. काम वाली बाई को जाने दो. दो बार बोल देती है बाई. उसका मतलब होता है लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स. ओके या या शी शी टॉक्स टू दैट. हु इज दिस शी? वन ऑफ देम. अच्छा वन ऑफ देम. दादा से हमने सांडे की आंख मार दी. ओके वी हिट द बुल्स आई. पाजी रितेश में क्या चेंजेस आपने नोटिस किए? I remember him concentrating a lot only on comedy, but then lately, after that Ek Villain and other kind of films which he's done, and where he is, even that Marathi film which he did, Lai Bhari, and it was a complete changeover. Actually, that script, Lai Bhari, I don't know whether he knows about it, yeah. That I was actually supposed to do it in Hindi first. Yeah? Yeah. So, then they were lucky enough to get it and then they made it. Paji, aap? आउट एंड आउट कमर्शियल एंटरटेनर्स करते हैं वैकी कॉमेडीज वगैरह वगैरह. बीच बीच में एक बेबी आती है, स्पेशल 26 आती है. इज देयर अ स्ट्रेटजी इन प्लेस जब आप स्क्रिप्ट्स को उठाते हैं कि अच्छा मैंने चार कॉमेडीज कर दी और वन और टू रियली सॉलिड फिल्म्स लाइक एयर लिफ्ट जो बीच में आती है, और इज इट जस्ट श्योरली ऑन द स्क्रिप्ट मेरिट कि आप फिल्में उठाते? स्क्रिप्ट मेरिट इज ऑल्सो देयर प्लस आई वॉन्ट टू चैलेंज इट. आई वॉन्ट टू टेक द चैलेंज ऑफ गोइंग समवेयर एल्स वेयर I've never gone. Like I did, I'm doing now with Rajnikant Saab, I'm doing a villain's role. A pure villain, a pure evil man. And I want to see it, that kaisa lagta hai, pura ek. I have played villain earlier. Ajnabi mein tha main, I was a villain. Now this is completely a black guy. And I'm enjoying myself. Aisi filmo ko box office success 100% milti hai, but critical acclaim itni nahi milti. Are you mentally prepared for that?
where critics don't support you, but the audiences do. We are prepared, critics are prepared, audience is prepared. Sabko pata hai kitne star hain, kya hai. Aapko kitne stars lagte hain, milenge? Ek, ded, do, dhai, koi achha raha, teen, koi bahut achha raha, saadhe teen. Kisko achha laga, matlab ki yaar, mere puri parivar ko maza aaya picture dekhe, to char. Koi koi aisa laga ki ye masterpiece hai, to saadhe char. किसी का दिमाग खराब हो तो 5 दे देगा जैसे बमन रिव्यू लिख रहा है 5 स्टार वाला तुम लोग के लिए खुद रिव्यूज लिख रहे हैं आई एम गोना गिव यू अ डेयर बेस्ट शायरी स्टार्टिंग विद यू शायरी शायरी में कुछ दम नहीं क्या बात है शायरी शायरी में कुछ दम नहीं पीछे मुड़ के देखो तो हम भी कुछ कम क्या बात है सुपर और आप रितेश यू शायरी शायरी में कुछ दम नहीं वाह शायरी शायरी में कुछ दम नहीं शायरी शायरी में कुछ दम नहीं पीछे तो मुड़ के आगे से देखो तो हाउसफुल में भी हम कुछ कम नहीं क्या बात है एक मैं भी सुना दूं इफ यू डोंट माइंड तू एक्चुअली ये पूरा बना ही तेरे सुनाने के लिए पहले चप्पल छोटी हो जाए पैरों में नहीं आती वाह वाह बाबा बोले चप्पल छोटी हो जाए जो पैरों में नहीं आती गर्लफ्रेंड मोटी हो जाए जो बाहों में नहीं आती You know something? People will gonna slap you for this. और ये डाल दिया ना ये मैं वीडियो पे डालूँगा तेरा. ये जो तू बोला ना मैं सुधर जाऊँगा पाजी. सुधर नहीं सकता है. पाजी before you go, please teach me one dance step, please. झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के लेडीज एंड जेंटलमैन अक्षय कुमार एंड रितेश देशमुख बाय बाय हाय आई एम द कनाल क्रूज इन एम्स्टरडम एंड यस यू कैन सी द ब्यूटी ऑल अराउंड मी आई एम हैविंग सच अ गुड टाइम और मुझे यकीन है कि आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं विद माय यूट्यूब वीडियोस विद माय सेलिब्रिटी चैट शोज लाइक सब्सक्राइब शेयर ये मेरा मोटो है गिव योर सजेशंस ड्रॉप अ मैसेज टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट द इंटरव्यूज व्हाट क्वेश्चंस आई शुड आस्क रिमेंबर आई एम एंजॉयिंग इन एम्स्टरडम यू एंजॉय माय वीडियोस चटने फटे